हेलो माय पावरफुल क्रिएटर्स, अमेजिंग मोमेंट जीने वाले लोग अमेजिंग मोमेंट को एंजॉय कर रहे हो। आज का बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, कैसा होगा मेरा एमपीएससी का मेन का एग्ज़ाम दिसंबर 2022 का। आने वाले फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में जो एमपीएससी का राज्य सेवा पूर्व परीक्षा कैसी होगी, कैसा रहेगा आपका टाइम आने वाले दिनों में, स्पिरिचुअल गाइड से क्या आपको मैसेजेस आते हैं, चलो देखते हैं। दिस इज अ जनरल रीडिंग, ऑल जोहेडिक साइन के लिए ये रीडिंग रहेगा। इफ ये आपको रेजोनेट करता है तो ही आप देखिए, अदरवाइज आप खुद के लिए पर्सनल रीडिंग कीजिए। 321 चार्जेस के साथ आप 8830874447 आपके स्क्रीन पे जो नंबर दिया है वहां पर व्हाट्सएप कीजिए, आपकी रीडिंग बुक कीजिए और आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है मराठी हिंदी एंड इंग्लिश में आपकी रीडिंग अवेलेबल रहेगी, राइट। सो आपके जो पर्सनल क्वेश्चन है, आपने क्या एमपीएससी एग्जाम के लिए जो प्रीलिम्स के लिए जो एफर्ट्स दिए थे, आप कहाँ पे एफर्ट्स कम हो रहे हो, आपका मोटिवेशन आपका कम लगाई दे रहा है, तो आप डेफिनेटली आपके पर्सनल रीडिंग कीजिए फॉर योर मोटिवेशन एंड स्पिरिचुअल गाइडलाइंस के लिए। सो ऑल 12 ज्योतिष साइन के लिए हम ये रीडिंग करेंगे। दिस इज अ जनरल रीडिंग, दिस इज नॉट अ पर्सनल रीडिंग, ये खुद के लिए नहीं है, आप सब के लिए है। सो किसी को कुछ मैसेज रेजोनेट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सो राइट, राज्य सेवा पूर्व परीक्षा कैसी होने वाली है, राइट। प्रेयर स्टार्ट करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर आर्कएंजल माइकल की प्रेयर करते हुए। हम एमपीएससी के लिए, एमपीएससी के सारे स्टूडेंट्स के लिए उनका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर का फर्स्ट वीक कैसा रहेगा, क्या मैसेजेस उनके लिए है, क्या गाइडलाइन है, टैरो एंड ओरेकल कार्ड्स एंजल मैसेज आपको क्या मैसेजेस देते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। कार्ड शफल करते हैं, कैसा होगा मेरा एमपीएससी का एग्जाम। सो पहला ही कार्ड शफल होके आया है, पॉपअप होके वो आया है, द सिक्स ऑफ वॉन्ड, द विक्ट्री। इफ आप ये कार्ड को ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, आपकी विक्ट्री इस टाइम पे रहेगी। आपने बहुत डेडिकेशन से वर्क किया है, मैं समझ सकता हूँ। लॉकडाउन के 3 इयर्स आपने जो स्टडी किया था वो 50-50% हो रहा था, राइट। बहुत सारे ड्रॉबैक्स आ रहे थे, बहुत सारा लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स होल्ड पे रखे हुए थे, तो वो होल्ड आपका कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। आपका टारगेट, आपका वो एमपीएससी होने के बाद जब आप जो पोस्ट पे जाओगे वो चेयर आपका वेट कर रहा है, जो विक्ट्री है, वो विजय का तिरंगा आपका लहराने का बाकी है, वो अब आएगा। दिस इज लाइक अ वॉन्ड, लाइक आप वो विक्ट्री लेके आगे चलोगे। आपसे सबसे पहले आपको जो गुड न्यूज़ है वो बाहर लोगों को देना है, आपको खुद को सोसाइटी में कुछ नए चेंजेस लाने हैं, सो उसका वो एक साइन यहाँ पे दिखाई देता है। तो सिक्स ऑफ वॉन्ड सबसे पहले कार्ड आया है, राइट, द वर्ल्ड कार्ड आया है, अमेजिंग एनर्जीज। नाइन ऑफ कप का कार्ड आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, टू ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ कप, थ्री ऑफ वॉन्ड, फोर ऑफ कप, द सन, द मैजिशियन। एंजल मैसेज देखते हैं क्या रहेगा आपके लिए एंजल मैसेजेस। यस कार्ड आया है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स द सिचुएशन विल इंप्रूव, इंप्रूव योर हेल्थ। सो मैंने यहां पे सेट कर लिया है, देखते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव स्ट्रिक्ट मैसेज आपको यहाँ पे रहेंगे, राइट। आपके जो डिजायर्स थे, आपका जो फेथ था, वो फेथ आपको कहीं ना कहीं इस एग्जाम में दिखाई देता है, राइट। आपको किसी ने सजेस्ट किया था कि आप
एग्जाम दीजिए, या आपके टीचर हो सकते हैं, मेल टीचर या फीमेल टीचर, आपको पर्सनली बिठाकर, या आपके सिस्टर ने, आपके कोई ऑफिसर फ्रेंड हो, आपके कोई मैम हो, या आपके कोई कलीग्स हो, रिलेटिव्स हो, उन्होंने बेसिकली पर्सनली आपको एग्जाम का इम्पोर्टेंस ही बताया है, उन्होंने आपको पुश किया है, उन्होंने आपको मोटिवेट किया है, राइट? उनको दिखता है कि आप में वो पोटेंशियल है, वो लाइक क्षमता है, वो ताकत है आपको कुछ आगे करके जाके बैठने के लिए, मतलब राइट? यहाँ पे द नाइन ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि एज अ एक सीट, एज अ जितने भी सीट्स वहाँ पे अवेलेबल है, राइट, उसमें से एक सीट आपको मिल जाएगा, राइट? आप प्रीलिम्स, मेन एंड इंटरव्यू क्रैक कर लोगे, राइट? ये वहाँ पे आपको दिखाई देता है। थ्री ऑफ वॉन्ड का कार्ड कहता है, द सन का कार्ड कहता है, बहुत सारे मिस्टेक्स आपने प्रीवियसली जो किए थे, राइट, जो आप कभी कभी कंफ्यूज हो जा रहे थे, बहुत सारे सब्जेक्ट को आप छोड़ दे रहे थे, उन सब्जेक्ट को आपको फिर से स्टार्ट करना है। कुछ कुछ सिंपल सिंपल से टॉपिक जो आपने सेकेंडरी रख दिए थे, कि सपोज दैट हम कोई मैथ्स का सब्जेक्ट करते हैं या फिर ज्योग्राफी का सब्जेक्ट करते हैं, जब हम ज्योग्राफी के बारे में स्टडी करते हैं, हिस्ट्री के बारे में करते हैं, जो कभी कभी सिंपल चैप्टर्स हमें लगते हैं, सिंपल इवेंट्स लगते हैं, या फिर सिंपल जो चीज़ें, जो सिंपल टॉपिक्स या फिर चैप्टर जो होते हैं, वो चैप्टर वहाँ पे होते हैं, वो चैप्टर को आपने क्या किया है, थोड़ा सा सेकेंडरी रखा है, उसको थोड़ा सा आपने अवॉइड किया है, उसके ऊपर इम्पोर्टेंस ही क्रिएट नहीं किया है। बट एग्जाम में कुछ ना कुछ सिंपल सिंपल जो क्वेश्चंस आते हैं, वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन से आपका स्कोरिंग बढ़ेगा, सो उसको अवॉइड मत कीजिए। द सन का कार्ड कहता है आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, सिंपल सब्जेक्ट से आपका स्कोरिंग भी बढ़ेगा, सो इसीलिए दोनों कार्ड साथ में आए हैं कि आप जो जो टॉपिक्स को सेकेंडरी रख रहे हो, वो टॉपिक्स को आप इम्पोर्टेंस ही दीजिए, उसको आप राइट प्रॉपरली स्टडी कीजिए। द नाइट ऑफ वॉन्ड, वही आप कुछ कुछ सब्जेक्ट को आपने अभी तक छूना या फिर उसको स्टडी करना रेफरेंस या प्रेफर नहीं किया है, राइट? कुछ कुछ सब्जेक्ट्स आपको रीड करने बाकी है, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स का आपका लाइक प्रैक्टिस करना बाकी है, या फिर सेकेंड बार थर्ड बार आपका प्रैक्टिस हो चुका है, बट कभी कभी वो दिल को सेटिस्फैक्शंस आपको नहीं मिल पा रहा है, राइट? आप खुद को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हो, आपने जितनी भी प्लानिंग किए थे, जितने भी आपने डिसीजंस लिए थे, वो डिसीजंस आपके प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं। आप जो प्रेजेंटेटिव बनना चाहते हो तो आपका वो 70-30% जा रहा है, कुछ कुछ सब्जेक्ट आपके 70% तक चले जा रहे हैं, तो कुछ सब्जेक्ट आपके 30% पे जा रहे हैं, राइट? सो आप जब जितना भी डिसीजंस इस चीजों के ऊपर लेते हो, तो आप उसके लिए प्रेजेंटेटिव रहो, थैंकफुल रहो, जो भी स्टडी करते हो कभी गुस्से में आके स्टडी मत करो, पीसफुल होके माइंड काम करके करना है, बिकॉज आपको क्लास वन ऑफिसर का एग्जाम देना है, उसके लिए आप रिलैक्स रहो। बहुत सारे कुछ फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, या फिर आपको कोई आपके पर्सन जो गाइड करते हैं, उनका गाइडलाइंस सुनो, कम टू द पॉइंट पे आ जाओ, राइट? कभी कभी आप लाइक बड़ा सा सर्कल चालू रहता है और उसमें आप घूमते रहते हो, राइट? यू हैव टू कम ऑन कंक्लूजन, आपको वो मेन मुद्दे पे आना है, आपको उसको घुमाते नहीं बैठना है। थोड़ा सा कभी कभी हम कुछ कुछ चीज़ें रीड करते हैं, एग्जाम्पल आप न्यूज़पेपर रीड करते हो, तो आपको पूरा न्यूज़पेपर रीड नहीं करना है, आपको उसके हेडलाइंस रीड करना है। सो ये कभी कभी आपका टाइम वेस्ट जा रहा है, आप कभी कभी सोच रहे हो कि इतने सारे बुक्स हैं और कौन से पढ़ना है, डिटेलिंग्स में नहीं पढ़ना है, पॉइंट पॉइंट पे पढ़ना है। वो पॉइंट पॉइंट जब आप पढ़ोगे तो आपको उसका समरी या फिर वो जब चैप्टर है उसका एनालिसिस, जो मेन मेन पॉइंट है, जो मेन मेन मुद्दा है, वो मुद्दा आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा, राइट? एंजॉय होके कीजिए, जो आपका कुछ सब्जेक्ट में जंबल्ड हो रहा है, राइट, वो जंबलनेस आप कम कीजिए, राइट? आपका सिक्स सेंस को लेकर जागृत कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, राइट? आपका जो वर्क करने का जो पावर है, वो पावर को आप बढ़ाइए। आपका जो मास्टरमाइंड है, वो मास्टरमाइंड को क्विकली बाहर निकालिए, डरिए मत, फियर मत लाइए लाइफ में। आपका टारगेट, आपका सक्सेस, वो जो चेयर आपको आने वाली है, जो सिटी में आप जाने वाले हो,
जो पोस्ट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, राज्य सेवा पूर्व परीक्षा का मुख्य राइट मेन एग्जाम जो आपको देना है, उसके लिए आपके टारगेट, आपका सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, आपका प्रेजेंटेटिवनेस, आपका इमेजिनेशन, आपका नॉलेज, आपका स्पेशलाइज नॉलेज, आपका करिकुलम एक्टिविटीज, आपके एक्टिविटीज राइट, आपका फेथ, ये सारी इन चीजों में दिखाई देती है। बिकॉज मैजिशियन का कार्ड आया है, आप में ये कुट कुट के भरा हुआ है, आपको इसको स्पिरिचुअली एंड एक साइंटिफिकली भी लेना है। इतना पॉजिटिव कार्ड्स आना बहुत अमेजिंग बात है। आई एम वेरी थैंकफुल टू टैरो कार्ड कि आपको मैं एज एक 0.01% में आपको गाइड कर पा रहा हो। जो भी लोग इन वीडियोस को देखेंगे, इफ आपको लगता है तो आपको पर्सनल रीडिंग करना है तो आप पर्सनल कीजिए, बट यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से आंसर दिखाई देते हैं। द फर्स्ट कार्ड आया है विक्ट्री, यहाँ पे एंजल मैसेज आपको यस है, आपको यस ही करके दिखाना है। आपको आपका एग्जाम खुद के साथ है, किसी को कम किसी को ज्यादा, खुद को कम उसको ज्यादा, मुझे ज्यादा उसको कम, ऐसा एग्जाम में नहीं होगा राइट। सबको इक्वली देखा जाएगा, सबको इक्वली देखा ही जाता है राइट। सो ये आपको खुद को, आपके कैलिब्रेरीज, आपके पोटेंशियल, आपका प्रेजेंटेटिव माइंड, आपका पावर ऑफ द नॉलेज, आपका पावर ऑफ द लाइक वो माइंड को, वो ब्रेन को, वो सिक्स सेंस को आपको यू चुटकियों में स्टार्ट करना है। आपका टारगेट वहां पे रखिए, आपके टारगेट्स को आप कभी डाउन मत होने दीजिए राइट। जब भी आपका प्लान या फिर आपका माइंड, आपका बॉडी, आपका लाइक एक ऑरा जब डाउन होता है, तो खुद के प्लान्स को देखिए, खुद को सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड बनाइए, आपका जो पावर है उसको बाहर निकालिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपका लाइफ चेंज हो जाएगा राइट। आपका जिंदगी भर का लाइफ चेंज हो जाएगा। विक्ट्री क्या होती है, जब आपने प्रीलिम्स एग्जाम दी है, आपने मेंस दिया है या आप रिपीट कर रहे हो, तो वो विक्ट्री आपको पता है, वो विक्ट्री को आपको नहीं जाने देना है। एनी हाउ कंडीशन में आपको आपके एफर्ट्स ला के देने हैं। यहाँ पे द सिचुएशन विल इम्प्रूव का कार्ड आया है। आपका सिचुएशन जो आपकी अभी की जो परिस्थिति है, जो आपका घड़ी जो चल रहा है, जो आपका समय चल रहा है, ये चेंज हो जाएगा। आपका सोसाइटी में, आपका फैमिलीज में, आपका दोस्तों में, और ये इंडिया के लिए एक बड़ा ऑनरेबल टाइम रहेगा कि बहुत सारे पॉजिटिव एंड नॉलेजेबल पर्सन जब एक चेयर पे, एक सिटी, एक प्लेस को हैंडल जब करते हैं, एक डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं, तो वो बहुत सारे चेंजेस लेके आते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा सिंपल सिंपल चीज़ें जैसे कि रोड्स, स्ट्रीट लाइट्स, वाटर, इसके लिए आज भी बहुत सारे एरियाज में सफरिंग चालू रहता है। सो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे वो प्रॉब्लम्स को देखने के बाद खुद को मोटिव करने का मन करता है कि नहीं, आज मैं इसको चेंज करूँगा। सो ये चेंजेस मुझे आप लोगों में दिखाई देता है राइट। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपका चेंज हो जाएगा। एंड यहाँ पे थोड़ा सा आप जब पढ़ाई करते हो तो आप कुछ फ्रूट्स खाइए राइट, थोड़ा सा प्रॉपर खाना खाइए, जहाँ से आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। इंटरव्यू में आपको स्ट्रांगली बैठना है, खुद को, शरीर को स्ट्रांग बनाइए। मेडिटेशंस कीजिए, 10 से 5 मिनट मेडिटेशन कीजिए, अराउंड 3 मिनट्स भी मेडिटेशंस आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेडिटेशंस कीजिए, गॉड को याद कीजिए, पीसफुल हो जाइए, और वहाँ से आपका स्टडी स्टार्ट कीजिए। देखिए, जब आप स्टडी स्टार्ट करते हो तो कभी कभी आप बहुत ऐसा रीड करते बैठते हो, घंटों रीड करते बैठते हो, तो वहाँ पे रीड करने से अच्छा मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप मेन मेन पॉइंट्स को, नोट्स मेकिंग जो होता है, उन नोट्स मेकिंग को आप आपकी लाइफ में लेके आइए। देखिए, द सन का कार्ड, द यस का कार्ड, द मैजिशियन का कार्ड आया है, जो 70% आपका जंबल्ड हो रहा है, 30% आपको कुछ कुछ सब्जेक्ट को लेकर डिफिकल्टीज लग रही है, या फिर आपको वो टफ लग रहा है, तो वो टफ को आपको ऑर्गेनाइज्ड बनाना है, आपका खुद का डिजाइन बनाना है, आप खुद के मालिक हो आपके खुद के डिसीजंस लेने के लिए राइट। जब आप इन सारी चीजों के ऊपर काम करते हो, सो आपका हिस्ट्री हो गया,
स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी स्टडीज होती है, वो स्टडीज के सब्जेक्ट्स जो होते हैं, सो आपकी वो फटाफट 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 कवर अप हो जाएंगे, राइट? आपको ज्योग्राफी होती है, हिस्ट्री होते हैं, करंट अफेयर्स होते हैं, इंफॉर्मेशन ऑफ द लीडर्स होते हैं, राइट? जो ज्योग्राफिकली आपको महाराष्ट्र का, इंडिया का, ऑल ओवर वर्ल्ड का जब देखना होता है, सो वहाँ पे बहुत सारी ट्रिक्स आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, शॉर्टकट कीज और लर्निंग प्रोसेस आप डेवलप कर सकते हो, राइट? टाइम कम है, इसलिए आपको इंडिया का जो पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर काम करना है, राइट? बहुत सारे सब्जेक्ट्स को आपको लेके चलना है, इकोनॉमिकली इंडिया का कंडीशंस क्या था, हिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, राइट? बहुत अच्छे से लैंग्वेज के ऊपर काम करना है, राइट? और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाएगा। इफ़ आपको अगेन कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पर्सनल रीडिंग कीजिए, आपको कोई भी माइंड में क्वेश्चन रहता है आप कभी भी क्वेश्चंस कीजिए। थैंक यू सो मच। इफ़ आपके पॉजिटिवनेस आपको आया होगा, आपका माइंड थोड़ा सा वॉश हुआ होगा, या आप में कुछ ना कुछ पॉजिटिव वाइब्स आया होगा, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।